हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आजियो के कुर्ता सेट एंड कुछ जीन्स के हॉल। तो आइए शुरू करते हैं आज के कुर्ता से। तो पहला कुर्ता है ये वुलन कुर्ता, जो कि फ्यूज़न ब्रांड का है और वुलन है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये स्ट्रेचबल है, फुल स्लीव की है और यहाँ पे स्लीव के एंड पे स्ट्रेचेबल बॉर्डर भी है। इसकी लंबाई काफ लेंथ तक की है, जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ है। कलर इसका डार्क पीच कह सकते हैं या फिर ऑरेंजिश टोन में है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसा कि रिब्ड वीविंग होती है उसी टाइप की है ये। और यहाँ से आप देख सकते हैं स्लीव्स के पास से जो डिवाइड पार्ट है नेक से गया हुआ है और इसमें हल्की हल्की शाइनिंग दी है। इसकी वीविंग में हल्की हल्की शाइनिंग वाली जो थ्रेड होती है उसका यूज़ किया गया है। और इसमें आपको वन साइड एक पॉकेट भी मिलती है। मेरा साइज़ है मीडियम, जो कि मुझे थोड़ा लूज़ होता है, बट अगर आप ज़्यादा ठंडी में इसको यूज़ करते हैं तो आपको लेयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लेयरिंग करके इसे पहनते हैं तो इसके लिए आपको ये साइज़ सही होती है। नेक्स्ट कुर्ता ब्लैक कलर का है और ये भी फ्यूज़न ब्रांड का ही है। जो फर्स्ट कुर्ता मैंने आपको दिखाया ये उसी का कलर ऑप्शन है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये भी रिब्ड वीविंग में है। इसमें ब्लैक थ्रेड के साथ सिल्वर शाइनिंग वाले थ्रेड को यूज़ करके वीविंग किया गया, जिसकी वजह से इसमें शाइनिंग आपको दिखाई दे रही है। ये भी स्ट्रेचबल है, यहाँ पे भी आपको बॉर्डर मिल जाता है। ये भी आपको काफ लेंथ तक की मिलती है। साइड से आपको स्लिट भी मिलती है। इसे आप एज अ पार्टी वियर ड्रेस के तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत प्यारी है ये। आजियो पे क्या होता है कि हमेशा ऑफ़र चलते रहते हैं और स्टॉक भी कभी कभी होता है। अभी तो फ़िलहाल ये आउट ऑफ स्टॉक मुझे शो हो रहे थे, बट इनमें क्या होता है आजियो में कि आउट ऑफ स्टॉक होने के कुछ टाइम के बाद ही ये रीस्टॉक हो जाते हैं और ऑफ़र भी हमेशा उस पर चलता रहता है। तो अब कभी आपको प्राइस ज़्यादा या कभी कम ऐसे मिलता है तो आप उसे विश लिस्ट में डाल करके चेक करते रह सकते हैं। तो जब भी ये स्टॉक में आए आप उसे ले सकते हैं। ये अंडर 500 की थी। और नेक्स्ट है आजियो ब्रांड का ही सिल्क कुर्ता सेट है, जो कि पिस्ता कलर में है और चूड़ीदार सलवार के साथ आती है और इसके साथ दुपट्टा भी है। इसका पिंक दुपट्टा है, पिंक चूड़ीदार है और पिस्ता ग्रीन कलर का इसका कुर्ता है। ये आजियो ब्रांड की है। कॉलर नेक मिलती है और नेक पे आपको गोल्डन थ्रेड से वर्क मिलता है और फ्रंट नेक पे आपको ऐसे पिंक कलर की पट्टी मिल जाती है जिस पे आपको गोल्डन बटन लगे हुए हैं। और ये आपको क्वार्टर स्लीव में मिलती है, 3/4 स्लीव। स्लीव्स के एंड में भी आपको पिंक कलर की पट्टी मिल जाती है और यहाँ पे तीन लाइन गोटा पट्टी की लेस लगी हुई है। स्लीव्स में आपको लाइनिंग नहीं मिलती है, बट पूरे कुर्ते में आपको एंड तक लाइनिंग मिल जाती है, कॉटन की लाइनिंग लगी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे एंड तक है लाइनिंग लगी हुई है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सिल्क फैब्रिक है तो हल्की शाइनिंग भी है इसमें। इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, फुल लेंथ आप कह सकते हैं, काफ लेंथ तक की है ये और ये पहनने पे बहुत प्यारी लगती है।
इसका कलर इतना प्यारा है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी लगती है। इसके साथ मुझे पिंक कलर का चूड़ीदार दुपट्टा और पिंक कलर का सलवार मिला हुआ है जो कि चूड़ीदार सलवार है, और इसकी चूड़ीदार की लेंथ भी काफ़ी लंबी है, जब आप इसे पहनते हैं तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे फोल्ड्स बनते हैं एंकल के पास, और यहाँ पे आपको इस तरह की क्लोज़र मिल जाते हैं, ये भी आपको सिल्क फैब्रिक में मिलता है, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है। ये भी मीडियम साइज़ की है, बेल्ट वाली सलवार है, यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाते हैं कमर के पास। आजियो ब्रांड के कपड़े बहुत ही अच्छे होते हैं, आप इन्हें ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। और ये इसका दुपट्टा है, शिफॉन का दुपट्टा है ये, और इसके चारों दुपट्टे के चारों तरफ से आपको जिस कलर का कुर्ता है पिस्ता ग्रीन कलर का, उसी कलर की आपको टेपिंग लगी हुई मिल जाती है। ये फैब्रिक की टेपिंग है, सिल्क फैब्रिक जिसका कुर्ता है उसी कपड़े की चारों तरफ से ऐसे टेपिंग मिल जाती है। दुपट्टा बहुत ही सॉफ्ट शिफॉन का है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, और ये लगभग 2.25 मीटर आप कह सकते हैं, 2.25 मीटर का ये दुपट्टा है। इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल भी पतला दुपट्टा नहीं है, इसकी चौड़ाई अच्छी है, और चारों तरफ से टेपिंग लगी हुई होने के कारण से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। ये प्लेन दुपट्टा है, ये भी एजियो ब्रांड का है। इन सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है DNMX ब्रांड का ये जीन्स, जो कि डार्क ब्लू कलर की है, हल्की शेडेड है, ये भी स्ट्रेचेबल है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। ये मुझे 300 में मिली है ऑफर में, 300 में जीन्स मिलना आप कह सकते बहुत ही सस्ती, बहुत अफोर्डेबल रेंज, स्ट्रेचेबल है तो इस वजह से आपका बहुत अच्छी फिटिंग देता है ये। और DNMX ब्रांड के मुझे जीन्स बहुत अच्छे लगते हैं। बैक में दो पॉकेट्स हैं और यहाँ साइड में पॉकेट, ये जिप वाली जीन्स है और यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें और भी कलर ऑप्शंस थे जैसे लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ब्लैक, तो आप जो कलर पसंद करते हैं उस कलर के हिसाब से आप इसे बाय कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से ये आपको रिकमेंडेड, आप चाहें तो एक बार इसे ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है रियो ब्रांड का ब्लैक जीन्स, जो कि हाई राइज जीन्स है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, ये आई थिंक मुझे 250 नियर अबाउट में ये मुझे मिला हुआ है। ब्लैक कलर की है, ये भी हल्की स्ट्रेचेबल है, बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे बट स्ट्रेचेबल, ये भी स्ट्रेचेबल जीन्स है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसकी लेंथ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो आपको इसे थोड़ा सा कट कराना होगा, अगर आप एंकल लेंथ पहनना प्रेफर करते हैं तो, वरना आप ऐसे भी पहन सकते हैं। ब्लैक कलर की है, यहाँ इनर साइड से आपको डबल स्टिचिंग मिल जाती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ भी आपको जिप मिल जाती है और कमर के ऊपर आपको बटन मिल जाता है, साइड पॉकेट है और बैक साइड में टू पॉकेट्स हैं। प्राइस के हिसाब से भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और फैब्रिक क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि प्राइस कम है तो क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर रफ फैब्रिक है, फैब्रिक सॉफ्ट स्ट्रेचेबल
और कलर वगैरह भी इसका बहुत अच्छा है, डार्क ब्लैक है, हाई राइज है और फुल लेंथ की है, स्किनी फिट है। और इसके पहले मैंने जो आपको DNMX ब्रांड का जो आपको दिखाया था जींस ब्लू कलर की, वो आप मिड राइज की थी। तो आज का बस इतना ही था। तो अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, ताकि आगे मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो प्लीज़ और थैंक्स फॉर सपोर्ट, आप लोगों ने मेरे स्टार्टिंग में जो भी सपोर्ट किया उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ ला पाऊँ, शेयर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।